आज से कुछ साल पहले तक मुझे एप्पल साइडर विनेगर के बारे में कुछ नहीं पता था, बट जब मैंने 3 मंथ्स में 20 केजीज वेट लूज किया ना, तब मैंने डाइट फॉलो करने के साथ साथ हर दिन एप्पल साइडर विनेगर भी लिया। पर सिर्फ इतना कहना कि एप्पल साइडर लेने से वेट लूज हो जाएगा, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एप्पल साइडर के बारे में वो सब इन्फॉर्मेशन दूंगी जिसको जान के आप भी इसका यूज कर सकते हो और इससे बहुत ही अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स को ले सकते हो। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एप्पल साइडर के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये आपको कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए और किस किस तरीके से आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो में आएंगे 2 क्विज और सही आंसर देने वाले 3 लकी विनर्स को मैं भेजूंगी अपनी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। अच्छा, आपको पता है कि विनेगर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है सार वाइन, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको बनाने का तरीका भी काफी हद तक वैसा ही है जैसे अल्कोहल बनाया जाता है। ऑफ कोर्स ये कोई अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं है, मगर बनाने का तरीका काफी हद तक सेम है। इसे बनाने के लिए क्रश्ड एप्पल्स को यीस्ट के साथ मिलाया जाता है जिससे इसकी फर्मेंटेशन होती है, और फिर इसके अंदर एक बैक्टीरिया ऐड किया जाता है जिससे फर्दर फर्मेंट होता है, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज आ जाती है एसिटिक एसिड की। और एसिटिक एसिड एक बहुत कमाल की चीज है क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को एंड ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के काम आता है। सो ये है इसका पहला बेनिफिट कि इसके अंदर एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज है, सो ये आपको डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, ब्लड शुगर लेवल्स से बचा के रखता है, उनको कंट्रोल में रखता है। तो अब बात करते हैं वेट लॉस की। ऑफ कोर्स एप्पल साइडर विनेगर कोई मैजिक वैंड तो है नहीं कि इसको लेते ही वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे है सिंपल सा साइंटिफिक रीजन। एप्पल साइडर 2 तरीके से वेट लॉस में हेल्प करता है। पहला तो ये कि इसको लेते ही आप कंपैरेटिवली कम कैलोरीज खाते हो क्योंकि आप फुल फील करते हो। ऑन एन एवरेज अगर आप एप्पल साइडर ले रहे हो तो आप 200 से 250 कैलोरीज कम खाओगे और इसलिए वेट लूज होगा। एंड सेकेंडली, क्योंकि इसके अंदर एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज है जो फैट बर्निंग में हेल्प करती है, तो इस तरीके से भी ये वेट लूज करने में बहुत हेल्प करती है। ड्रम रोल प्लीज। क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल भी है, सो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप थोड़े से लूकवार्म वाटर में 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर मिला के कॉटन बड के साथ अपनी स्किन के ऊपर रब कर सकते हो जिससे आपके एक्ने भी ठीक होंगे। और अगर आपके हेयर फ्रिजी हैं, रफ हैं, तो आप हेड बाथ लेने के बाद एप्पल साइडर को पानी में मिला के अपने बालों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, हेयर की क्वालिटी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। ओके गाइस, आज की वीडियो होती है। हेलो हेलो हेलो, इनको ये तो बता दो कि मुझे कब, कैसे और कितना ले। हाँ ठीक है, बट उससे पहले क्विज ले लें। ओके, सो बारी है एक क्विज की। तो पहला क्वेश्चन है कि विनेगर किस लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है। वीडियो के एंड में आप क्विज के आंसर्स कमेंट्स में लिख देना। अब जानते हैं कि आपको एप्पल साइडर कितना लेना चाहिए। आप एक दिन में 1 से 2 टेबलस्पून, दैट मींस 15 से 30 ml तक का एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो। इस अमाउंट को आप चाहो तो दिन में डिवाइड करके 2 से 3 बार भी ले सकते हो, मगर इससे ज्यादा लेना मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। नेक्स्ट, एप्पल साइडर कब लेना चाहिए। इसको आप सुबह उठते ही फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग भी ले सकते हो, या फिर रात को बेड पे जाने से पहले लास्ट थिंग इन द डे भी ले सकते हो, या इसे आप लंच के 15-20 मिनट के बाद भी ले सकते हो। मैं इसे लंच के बाद लेना प्रेफर करती हूँ क्योंकि उससे एक तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, दूसरा खाना खा के जो नींद आती है, लेथार्जिक फील होता है, वो सब नहीं होता। सो मील के बाद कॉफी लेने से बेटर है कि आप एप्पल साइडर ले लो, उससे खाना डाइजेस्ट भी हो जाएगा, आपकी कैफीन की इनटेक भी कट डाउन हो जाएगी। अब सवाल है कि कौन सा एप्पल साइडर लेना चाहिए। आप जो भी लो उसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होने चाहिए जिसको हम मदर कहते हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि ये नेचुरल तरीके से बना है। मैं पिछले कुछ टाइम से ओग्रीनी का यूज कर रही हूँ जो अमेज़न पे इजीली अवेलेबल है। अगर आपको भी ये लेना हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। और अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि एप्पल साइडर को ले कैसे, मगर उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको कैसे बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप जब भी नेचुरल एप्पल साइडर लोगे तो उसे कभी भी डायरेक्टली बिना डाइल्यूट करे मत लो, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग होता है, सो आपके माउथ एंड बॉडी में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। एंड इसको कंज्यूम करने के बहुत तरीके हैं। सबसे इजी वे ये है कि आप इसे लूकवार्म वाटर में डाल के सिप बाय सिप ले सकते हो। इसके साथ अगर आप चाहो तो लेमन भी ऐड कर सकते हो। इसका एक टैंगी सा टेस्ट आएगा स्टार्टिंग में, हो सकता है आपको टेस्ट पसंद ना आए, बट जल्दी ही इसको आप एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे। इन केस फिर भी आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं आता तो आप इसे सैलेड में ऑलिव ऑयल के साथ एज अ ड्रेसिंग भी यूज कर सकते हो। इसको आप चटनी में भी ऐड कर सकते हो क्योंकि ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज होता है। इसके अलावा एप्पल साइडर को लेने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप लूकवार्म वाटर में टर्मरिक यानी कि हल्दी के साथ डाल के एक डिटॉक्स टी की फॉर्म में रात को सोने से पहले ले सकते हो। इससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी, नींद भी अच्छी आएगी और डाइजेशन के लिए भी बहुत बढ़िया है।
और अब बारी है दूसरे क्विज की। एक दिन में ऑन एन एवरेज कितना एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम करना सही है? दोनों क्विजेस के सही आंसर देने वाले 3 लकी विनर्स को मिलेगा मेरी तरफ से ओ ग्रीनी एप्पल साइडर विनेगर का गिफ्ट पैक। सो अपने आंसर्स को कमेंट्स में लिख दीजिए। 7 डेज के बाद मैं विनर्स के नाम अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अनाउंस करूंगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि अपडेट आप तक पहुंच जाए। फिट रहो, हिट रहो।